तो ये देखो भाई, RR और BMW RR। चाय 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 बेच रहा है। सर्विस कॉस्ट कितनी आई वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो हे गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग, चला दिस शॉप है। सो आई होपफुली मेरी आवाज आ रही होगी क्योंकि मैं रोड पे खड़ा होकर इंट्रो दे रहा हूँ आज। और ये देख सकते हो अपनी BMW लग रही है। तो BMW की आज फर्स्ट सर्विस नहीं हुई थी। ये देखो भाई कितने किलोमीटर चला दी मैंने। फर्स्ट सर्विस की थी मुझसे 1000 किलोमीटर पे करवा लेना। और ये देखो भाई 1927 चल गई। तो वो सुन के हिल गया कि मतलब तूने अभी तक फर्स्ट सर्विस नहीं करवाई। मैंने कहा भाई मैं क्या करूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं रहता। तो GoPro वगैरह का भी सेटअप कर लिया था। तो अभी यार मैं शानू का इंतजार कर रहा हूँ, आधा घंटा हो गया। मतलब बंदा लेट ही करता है यार हमेशा। तो यार आवाज़ आ रही होगी होपफुली। बस यार GoPro के अंदर तो आ जाएगी क्योंकि उसमें माइक है। तो आईफोन से मैं ऐसी दे रहा हूँ। तो अभी तो जल्दी जल्दी फुल पावर निकलते हैं, देखते हैं हाइपर राइड भी हो जाए। हो सकता है आज तो बस मज़े ही आ जाएंगे यार। सर्विस के बाद इंजन खुल जाएगा तो और ज़्यादा टॉप स्पीड लग जाएगी मेरी सिंगल में। आई थिंक 173-175 तक टच कर दूंगा मैं। तो अभी तो शानू का वेट करते हैं, फिर निकलते हैं। आगे अपने मामू चल रहे हैं। तो यार मामू पकड़ ना लें, बस इस बात का दिक्कत है। इनके आगे से तो भाई मतलब मैं कट भी नहीं ले सकता, जिधर ले रहा हूँ उधर ही ले रहा है। ग्रीन लाइट भाई, ग्रीन लाइट मिली हमें पहली बार यार सिग्नल पर। भाई शानू भाई का इंतज़ार करते करते देख सकते हो आप कितने बज गए भाई, 151 हो गए। और मैं कम से कम भाई 1 बजे से इंतज़ार कर रहा हूँ, मतलब 1 घंटा होने वाला है। और ये देख सकते हो सिलमपुर की रेड लाइट के नीचे खड़ा हूँ मैं। तो अभी तो देखते हैं भाई क्या सीन रहता है। बहुत ज़्यादा मतलब कि यार धूप भी हो रही है। तो मैं इधर आ गया था मैं। तो अपने साथ दो बाइक हो चुकी हैं, एक 390 हो गई, एक अपनी हो गई। तो अपनी वाली की तो आज सर्विस हो जाएगी, देखते हैं सर्विस के बाद बाइक कैसी चलती है। और इस बंदे ने भाई इतना ज़्यादा लेट कराया ना, मतलब कि 1 घंटा लगा दिया। और कोई होता भाई कसम से मैं ब्लॉक करके भाग गया होता अब तक। लेकिन भाई इस बंदे से जाम ही नहीं निकल रहा। देखो दुनिया भर का भाई ट्रैफिक आ रहा है, आपको मैंने दिखाया था। तो ये बंदा पता नहीं कैसे चलाता है, जाम में फंसा ही रह जाता है भाई हमेशा। तो अभी देखते हैं भाई, जल्दी जल्दी से निकलते हैं। ये भी इंट्रो दे रहा है। तो हाइपर राइड करते हुए जाना है भाई, जल्दी जल्दी पहुँचना है। चलो भाई। तो फाइनली भाई जैसे कि आप देख सकते हो निकल चुके हैं। और भाई उन्होंने मेरे को टाइम दिया था भाई सुबह 10 बजे का। तो अभी 2 बज रहा है, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो मतलब 10 बजे से 2 बज गए। और शानू भाई तो अपने से पीछे रहने वाला है, बिकॉज मैं हाइपर राइड करते हुए जाना हूँ। आओ भाई, तो जल्दी जल्दी से निकलना है बस भाई। वो मना ना करने का भी पता लगे भाई, जाना ही बेकार रहे मेरा। और फिर भाई सीन हो जाएगा, इतनी दूर जाओ भी और सर्विस भी ना हो। वैसे तो सर्विस हो जाएगी 2-3 घंटे के अंदर। तो 2-3 घंटे तक मैं क्या करूँगा वहाँ पे, वीडियो एडिट कर लूँगा भाई इतने। तो मैं GoPro भी लेके जा रहा हूँ, तो GoPro से निकाल के जल्दी जल्दी से ब्लॉग एडिट कर लूँगा मैं। तो यार काम पहले है मेरे लिए, फिर बाकी चीज़ें बाद में। सो गाइस आयरन ब्रिज तक तो पहुँच चुके हैं। और ये देखो भाई दो आगे अपने RR चल रही हैं भाई, लेकिन ये अपाची की हैं और अपनी भाई BMW की है। तो भाई इनके साथ राइड करते हैं। शानू तो भाई पीछे रहने वाला है, तो इनके साथ ही आज राइड हो जाएगी। देखते हैं भाई कैसे रहता है हमारा। तो अभी तो आगे बैरिकेडिंग भी मिल सकती है, बट उसकी कोई दिक्कत नहीं है भाई। इन उन्होंने भाई मिरर भी लगा रखे हैं, लेकिन अपने में भाई मिरर भी नहीं है और नंबर प्लेट भी नहीं है। तो इनकी बाइक हो सकता है ना रोकें, लेकिन मेरी ज़रूर रोकेंगे। आ जा भाई साइड में आ जा, तू आ गया फिर दोबारा से। अपनी हल्क को लेकर आता था आज, BMW लाया, ला भाई पैसे दे, फिर तुम्हारा भाई कॉल करेगा और छूट जाएगा। भाई यही होता है। चलो भाई। सो भाई वो कर रहे हैं थम्स अप भाई। तो भाई भी शाद रखे हैं, अभी उन्होंने रुक के मुझसे बात करी थी। तो भाई पता नहीं कहाँ पर जा रहे हैं, यूँ कह रहे हैं भाई ऑफिशियल राइडर हैं। तो अभी तो अपना हमें वहीं पे निकलना है BMW का शोरूम। तो अभी मेरे को सीन नहीं पता भाई क्या रहने वाला है। आज की राइड वैसे अच्छी हो जाएगी भाई, मतलब कार्स को तो रोकते नहीं यार दिल्ली में, आपको भी पता है इतनी ज़्यादा कार्स के ऊपर सख्ती नहीं है। लेकिन बाइकर्स के ऊपर भाई दिल्ली में भी सख्ती है भाई, बाइक हर जगह रुकेगी भाई तुम्हारी, अगर RS वगैरह होएगी या कोई और सी होएगी। तो अभी तो देखते हैं भाई क्या सीन रहता है। और ये देखो भाई पल्सर का कौन सा मॉडल है ये मेरे को नहीं पता, कमेंट करके बता देना भाई। NS तो नहीं है ये, क्योंकि इसका भाई डिजिटल मीटर है। तो भाई भाई के साथ राइड करते हैं, देखते हैं भाई क्या सीन रहता है। तो 3 RR चल रही है भाई, क्या सीन कहते हो भाई, लीन कर दें। लेकिन भाई ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, कैसे होगी। तो अभी तो भाई के साथ राइड करते हैं थोड़ी, तो हाइपर राइड हो जाएगी एक। ये देखो भाई 3 RR चल रही है, तो बहुत ज़्यादा प्यारी राइड होने वाली है आज की, बस पूछो मत। तो ये देखो भाई, भाई को आगे रखते हैं, पहले कैप्चर करते हैं, फिर जाएंगे भाई अपन आगे। तो अभी आगे निकलते हैं, अभी भाई निकलेंगे। तो देखते हैं भाई, अपने को तो सीधा ही जाना है, तो भाई के साथ थोड़ी सी राइड कर लेते हैं, तो भाई को निकलने देते हैं। सो ये देखो भाई RR और BMW RR। तो भाई के साथ राइड हो रही है यार एक प्यारी सी। तो मज़ा आता है यार जब ज़्यादा बाइक्स हो जाती हैं, क्योंकि ज़्यादा बाइक्स में यार कभी भी ब्रेक हो सकते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए भाई सीन ही रहता है। तो अभी तो देख सकते हो ये चल रही है भाई बाइक्स।
तो भाई एकदम ब्रेकिंग कर रहे थे, तो इसलिए मैं पीछे रखूँगा भाई थोड़ी अपनी बाइक, लेकिन इनके साथ ही रहूँगा। तो शानू भाई तो बहुत ज़्यादा पीछे रह गया होगा, बिकॉज यार मतलब 87, 80, 90 चलाता पा रहा हूँ मैं, लेकिन वो जब भी पीछे रह जाता है मेरे से, तब क्या ही सीन कह सकते हैं भाई। तो अभी भाई के साथ राइड हो रही है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। सो गाइस ये देखो RR, तो 3 RR चल रही है भाई आज तो रोड पे, तो मतलब दवाई सीन होने वाला है बहुत ज़्यादा। ये तो निकाल दें क्या आगे? चलो भाई आगे निकल जाते हैं। ये देखो भाई जाम ही जाम। तो ट्रैफिक तो मिलना ही मिलना है दिल्ली में, और यहाँ पे शानू का रुक कर इंतज़ार कर लेता, नहीं तो शानू कहेगा भाई और राइडर मिल गया था तो चला गया। मैंने कहा भाई मैं आगे की साइड जा रहा हूँ, मैं यहाँ तक आ गया, इतनी दूर देखा अपने आयरन ब्रिज से निकल के, वो भी आयरन ब्रिज के पास ही है। और एक बार यार बाइक की हालत देख लो कितनी ज़्यादा गंदी हो रही है, टायर वगैरह सारी चीज़ें, तो बाइक भी वॉश हो जाएगी यार सर्विस के साथ, अच्छी बात है भाई। तो शानू अभी तक नहीं आया भाई, इतनी दूर रह गया भाई ये देखो भाई बंदे को। तो वो तो राइडर्स भी हल्की राइड कर रहे थे, तो मैंने कहा यार ज़्यादा कैप्चर क्या ही करूँ। तो ये देखो भाई बाइक की हालत बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, जल्दी जल्दी से चलते हैं, उन्होंने मुझे 10 बजे का टाइम दिया था भाई, बस वो मना ना कर दे। सो गाइस शानू अब आया है इतनी देर में, ये देखो भाई 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 कह रहे चक्का उठा दे, ये देखो भाई उठा दिया। तो देखो भाई शानू भाई ने भगानी शुरू करी, तो भाई सर नीचे कर लेता हूँ, तो दिखाता हूँ मैं भाई। ये देखो भाई अब भगा रहा है भाई शानू, चलो भाई अब तो सही चला रहा है, देखो भाई ब्रेक मार दिए। तो ब्रेकिंग यार ज़्यादा अच्छी नहीं लगती मुझे हाइपर राइड में, और इससे पीछे रखूँगा तो भाई मुझे ब्रेकिंग करनी पड़ेगी, बिकॉज यार मेरे को भगानी पड़ती है, तो कभी पता लगे मैं इसमें घुस जाऊँ और ये भाई नीचे हो शानू। ये देखो भाई अब भगा रहा है भाई शानू, अब सही है भाई 130 चल रही है अपनी, और शानू की भी भाग रही है, ये देखो भाई ये देखो। तो थोड़े आगे रखने दे रहा हूँ मैं, थोड़ा कैप्चर कर लेता हूँ फिर निकलूँगा भाई मैं आगे। तो भाई अब पीछे रह गया बहुत ज़्यादा शानू, अब नहीं पकड़ सकता भाई मेरे को। ये देखो भाई कितना ज़्यादा ट्रैफिक है, ये देखो देखो भाई देखो देखो दूर दूर तक नहीं दिख रहा भाई, दूर दूर तक नहीं दिख रहा बंदा, मतलब थोड़ी सी भी मैं भगा लूँ तो दूर दूर तक दिखता ही नहीं। तो आ गया भाई शानू आ गया, ये देख सकते हो। तो शानू को फिर क्या क्या पीछे करूँ, चलो भाई आले पुल पे पीछे शानू भाई 100%। चलो ये तो यहीं पे निकल गया पीछे, ये देखो भाई तो भाई शानू भी पुल खींचता हुआ रहा है, तो मैं भी पुल खींच रहा हूँ, तो मैं तो निकाल लूँगा भाई, शानू भाई बहुत पीछे रहने वाला है, ये देखो भाई तुम्हारा भाई देखो भाई क्या था ना पुल के नीचे से ये। तो भाई आज तो डर ही लग रहा है, मतलब सर्विस कैंसिल ना हो जाए, एक बार ट्रैफिक चेक करो, मतलब आधे घंटे से इस ट्रैफिक में फंसे हुए थे, देखते हैं भाई कितने बजे पहुंचते हैं BMW का शोरूम, और शानू भाई अब भी पीछे ही है तो अब इधर से निकलेंगे भाई, ऑफ से निकलेंगे थोड़ा, क्योंकि रोड से निकलूँगा तो भाई ट्रैफिक मिलना ही मिलना है। तो फाइनली भाई जाम से तो निकल चुके हैं, तो निकलते हैं जल्दी जल्दी से अब, तो देखते हैं भाई क्या सीन रहता है। यहाँ पर एक व्हीली हो जाए क्या, चलो भाई अब चलते हैं जल्दी जल्दी से। ओ भाई पीछे देख रहा था इतनी देर में रिक्शा आ गया। तो फाइनली भाई BMW का शोरूम आ चुके हैं, और बहुत ज़्यादा यार मैं लेट हो गया, ये क्या सीन है भाई, बंद है क्या सर्विस की बात हो गई थी स्टाफ कहाँ है सारा अंदर का, हमारी मैडम शोभा है, हैंगे शोभा मैम तो मैं
आज का बुकिंग है ना आपका? हाँ हाँ हाँ, चाबी थोड़ी मैं चल बना। ठीक है ठीक है ठीक है। तो शोरूम के अंदर आ गए तो अपनी बाइक की चेकिंग वगैरह हो रही थी, और ये बंदा भाई, इस बंदे की वजह से मैं लेट हुआ हूँ, नहीं तो मैं आ जाता। मुँह दिखाओ मुँह क्या तो भाई चेक कर रहे हैं अभी, देखते हैं भाई कितने टाइम में हो जाएगी अपनी बाइक की सर्विस। तो भाई कह रहा था भाई कल वगैरह को ले आना, मतलब अभी बहुत ज़्यादा लेट कर दिया। मैंने कहा भाई अभी कर दो, यूँ कर रहा है वॉशिंग नहीं होने की, तो मैंने कहा भाई वॉशिंग को रहने, तो वॉशिंग में बाद में भी करवा लूँगा, बाहर से करवा लूँगा, तो यूँ कर रहा है वॉशिंग में टाइम लगता है। तो मैंने कहा भाई ऐसी करके दे दो तुम ऑयल वगैरह चेंज, तो देखते हैं भाई इंजन खुलेगा फिर कितना ज़्यादा मज़ा आएंगे बाइक को चलाने में। तो भाई देखो कितनी ज़्यादा गर्मी में हम चाय पी रहे हैं, इतनी ज़्यादा धूप हो रही है और हम चाय पी रहे हैं, और ये बंदा भी चाय पी रहा है मेरे साथ, ये भी चाय लवर है भाई। हैं चाय 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 आज चाय चाय छोटू चाय। तो भाई चाय बेच रहा है ये, चाय वाला बन गया शानू भाई, चाय वाला बन गया भाई राइडिंग छोड़ के। आ जाओ मेरे पास, आ जाओ सबको चाय पिलाऊंगा। सो गाइस बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, वीडियो वगैरह तो एडिट कर ली थी मैंने BMW के शोरूम में, तो वीडियो तो मैंने अपलोड भी कर दी होगी वाली। भाई ओखला की साइड बैठे हैं हम, तो भाई ये पेटीएम का वो चल रहा है फिलहाल, तो मैं कुछ खाने का ऑर्डर दे देता हूँ फिर मिलता हूँ आपसे। तो यार शोरूम वालों ने टाइम दिया था हमें 6 बजे का, और 6:30 बज गए, हम इधर के साइड कुछ खाने पीने आ गए थे तो लेट हो गया यार बहुत ज़्यादा। तो अभी जा रहा हूँ, वो कह रहा हूँ भाई तुम्हारी वजह से खोल रखा है बस शाफिज भाई, और नहीं तो बंद करके चले जाते अब तक। और ट्रैफिक देखो भाई, ट्रैफिक से कैसे निकलेंगे यार, ट्रैफिक का ही नहीं पता मेरे को, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी हो रहा है यार, तो जल्दी जल्दी से निकलना पड़ेगा बस यार, और क्या ही कर सकते हैं। इधर से निकालते हैं भाई साइड से, और ये देखो ये देखो, चलो भाई पल्सर वाले के साथ रेस लग चुकी है, तो हम तो जाम में भाई फंस जाएंगे, लेकिन ये निकाल लेगा भाई, प्रो राइडर लग रहा है मेरे को। कितना ज़्यादा है मतलब जाम है यार, ट्रैफिक 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 दिख रहा है मेरे को, और कुछ नहीं दिख रहा। इधर तो फंस जाएंगे भाई, तो इधर से निकालते हैं, रुको। तो गाइस नेक्स्ट मॉर्निंग में आपका स्वागत है। तो रात में आउटरो नहीं दे पाया था, तो ये अपनी बाइक खड़ी है, तो इसकी सर्विस हो गई थी रात, देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा चमक रही है। वो तो रात मैंने खड़ी कर दी थी इसलिए थोड़ी गंदी हो गई, नहीं तो देखो यार कितनी ज़्यादा मतलब चमक गई बाइक यार सर्विस के बाद। तो पीछे वाला टायर भी बहुत ज़्यादा बोम लग रहा था, टायर प्रेशर उन्होंने क्या है 32 इसका रखो, 32 इसका रखो, लेकिन मेरे को कम करना पड़ेगा बिकॉज व्हीली वगैरह माननी पड़े या लीन करना पड़े, तो कम प्रेशर सही रहता है भाई पीछे वाले टायर में। तो फिलहाल तो मैं दिखा देता हूँ मेरी सर्विस हो चुकी है, और सर्विस कॉस्ट कितनी आई वो भी मैं आपको बताऊँगा, तो देख सकते हो आप। तो मैं दिखाता हूँ भाई सर्विस हो गई है, ये माई व्हीकल सर्विस, ये देख सकते हो भाई इसमें दिखा रहा है सिंस लास्ट सर्विस 1 डे पहले हुई है, 30 किलोमीटर चला दी भाई मैंने जब से लेकर अब तक, और नेक्स्ट सर्विस होगी भाई अगले साल। सबसे अच्छी बात भाई ये है BMW की कि अब अगले साल करवानी है भाई, मतलब पैसे जाएंगे नहीं आपके, एक बार का खर्चा है, हर 5,000 किलोमीटर पर आपको शोरूम में जाके दिखाना है बाइक को कि कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही। और कितनी कॉस्ट आई भाई सर्विस की, आपको साइड में स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा तो वो देख लो भाई, इतने रुपए लगे हैं, मतलब इतने नहीं है भाई, एक साल के हिसाब से मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी बेटर है यार, और बाइक बहुत ज़्यादा बेटर हो गई। मैं थोड़ी सी चला के भी दिखा देता हूँ, रुको। सो स्टार्ट करते हैं इसे और चला के दिखाता हूँ मैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब चेंजेस भी आए यार सर्विस करवाने के बाद। ये स्टार्ट और लगा लेते हैं भाई स्पोर्ट मोड, ये देखो भाई पावरफुल मशीन हो गई और ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा पावर हो गई यार सर्विस के बाद। ये देखो फर्स्ट सर्विस के बाद पहली बार चला रहा हूँ भाई मैं बाइक को, तो अभी ऐसे ही ले लेंगे भाई टर्न, और पीछे भाई शानू भी खड़ा है, तो नेक्स्ट डे में मैंने उसे भी बुला लिया था, मैंने कहा था आजा कहीं पर राइड पे चलना है, तो नेक्स्ट व्लॉग में कंटिन्यू कर दूंगा यहीं से ही। ये देखो भाई बाइक बहुत ज़्यादा बॉम हो चुकी है। सो गाइस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल।